राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का राधे कृष्ण भक्ति में। कार्तिक मास में दीप दान का विशेष महत्व है। इस पूरे महीने में हमसे जितना हो पाए उतना दीप दान जरूर करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आकाश में दीप दान कैसे करें ये देखेंगे। पूरे कार्तिक महीने में आकाश में दीप दान का विशेष महत्व है। अगर आपने किसी कारणवश अभी तक आकाश में दीप दान नहीं किया है तो आप अब भी कर सकते हैं। खास तौर पर देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक जरूर ही करें। तो देखिए, दीपदान हमें खुले में करना है। दीपदान करने के लिए हम थोड़े से चावल का आसन देंगे। अगर आप एकादशी पर ये दीपदान कर रहे हैं तो फिर आप तिलों का आसन दें, आसन जरूर दें। आप फूलों का भी आसन दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे घी का दिया लिया है, आप चाहे तो तिल के तेल का भी दिया ले सकते हैं। दिए में थोड़े से तेल डाल दें। दिया हमें पूरब दिशा की तरफ जलाना है, यानी दिए की जो चोंच है वो पूरब दिशा की तरफ होनी चाहिए। आप लंबी या गोल बाती भी डाल सकते हैं। अब हम दिया जला लेंगे। इसके बाद हम इसे भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे। हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए हम बोलेंगे, हे भगवान विष्णु, हे मेरे देव पितर, हे यमराज, सभी देवी देवता, मेरे आकाश में इस दीपदान को स्वीकार करें। अपनी कृपा और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। सभी देवी देवता को मैं ये दीपदान समर्पित करती हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। अपनी कृपा और आशीर्वाद आप हमेशा बनाए रखना है। इस तरह से हम आकाश में दीपदान करेंगे और प्रार्थना करेंगे। खास तौर पर देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक आकाश में दीपदान जरूर करें। मैंने यहाँ पे एक बाती का दीपदान किया है क्योंकि पूरे कार्तिक महीने का नियम है मेरा आकाश दीपदान का। आप ज़्यादा बाती का दीपदान भी कर सकते हैं। अगर आप रोज नहीं करते हैं तो फिर आप 108, 365 या फिर आप जितना चाहे उतने बाती का दीपदान कर सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल राधे कृष्ण भक्ति को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।